नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग अभी जो इस किताब से जो ज्योग्राफी पोर्शन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, वो है पवने एवं आर्द्रता। तो पवने एवं आर्द्रता, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी को पढ़ेंगे आज। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो आपका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। चालीसा पवने, तो चालीसा पवने किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो चालीसा पवने आपके हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती है, ठीक है। गर्म और शुष्क पवन जोंडा, तो गर्म और शुष्क पवन जोंडा, शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों से में किस नाम से जाना जाता है? तो गर्म एवं शुष्क पवन, ठीक है। तो गर्म एवं शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन, विंटर फोन के नाम से जानता है, विंटर फोन के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्ध 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थानीय अस्थायी पवन को क्या कहते हैं? तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवन को क्या कहते हैं? तो पछुआ पछुआ पवन कहते हैं, पछुआ पवन को कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मत, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मत दो मैदानों पर चीनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। कोरोवालिस, कोरोवालिस बल की खोज किसने की थी? तो कोरोवालिस बल की खोज आपका जी जी कोरोवालिस ने किया था। तो कोरोवालिस बल की खोज जी जी कोरोवालिस ने किया था, ठीक है। सिरोको, सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, ब्लड रेन कहा जाता है। स्थानीय पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह जो है, स्थानीय पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो स्थानीय पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलता है, ठीक है। डॉक्टर हवा, डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हवा, डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हरमटन, हरमटन पवन के नाम से जाना जाता है, हरमटन पवन के नाम से आपका जाना जाता है डॉक्टर विंड। रून नदी, रून नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो रून नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है, ठीक है। तो रून नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्ट्रल आपका किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध सौदर्न हेमस्फीयर में आपका 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता वो 40 डिग्री अक्षांशों के समीप ग्रस्थित 40 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकती मरुस्थाटा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध सौदर्न हेमस्फीयर में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 60 डिग्री अक्षांशों के समीप 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरिष्ठ 40 और 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकती साठा के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमस्फीयर में आपका जो है 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 3 भागों में बांटा गया है। तो दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमस्फीयर में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका 40 डिग्री अक्षांशों के समीप को कहते हैं ग्रजती चालीसा, ठीक है। तो 40 डिग्री
अक्षांशों के समीप को कहते हैं गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के समीप को कहते हैं प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री अक्षांशों के समीप को कहते हैं चिकती साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का। तो अब नेक्स्ट आपका विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन है, तो विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन को कल पढ़ेंगे, और आज हम एक बार इसको रिवाइज करने के बाद जो कल पढ़े थे उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। सॉरी, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की बाई और विचलन का क्या करण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाई और विचलन का क्या करण है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। चालीसा पवन किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो हिंद महासागर में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवन कहलाती है। गर्म और शुष्क पवन, तो गर्म और शुष्क पवन जोंडा को एंडीज के मैदान भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत फोन विंटर फोन के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों की ओर चलने वाली अस्थायी पवनों को क्या कहते हैं? तो पछुआ पवन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मत मैदानों पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मत मैदानों पर चिनुक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। और कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? तो जी कोरियोलिस ने की थी। सिरोको पवन के प्रभाव से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त वर्षा ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर हवा को हरमटन पवन के नाम से जाना जाता है। रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्टल किस प्रकार की पवन है? तो रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मिस्टल किस प्रकार की पवन है? तो ठंडी ध्रुवीय पवन है। दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर, तो दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा और 50 डिग्री अक्षांशों के समीप प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री अक्षांशों के समीप चिकती साठा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।